So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about the monocot leaf or the isobilateral leaf. So last lecture mein humne dicot leaf ki baat kari thi jo ki thi aapki you know dorsiventral leaf. Ab isobilateral kise bola jata hai? Isobilateral ko aap log bol sakte hain equivalent leaf ek tarike se. Iso ka matlab same and bi matlab dono. Yani ki aapka ek leaf jo hai uska upper surface as well as उसका lower surface जब दोनों के दोनों आपके same हो तो इसे आप isobilateral बोलते हो जो कि आपका monocot में usually आपको देखने को मिलता है जिनके अंदर आपकी parallel venation होती है लेकिन आपका dorsiventral leaf जो थी वो आपको देखने को मिली थी किसमें dicot के अंदर जिनके अंदर आपकी reticulate venation थी तो dorsiventral में क्या हो रहा था एक surface जो आपका dorsal surface था उसको आप अलग से distinguish कर पा रहे थे और ventral surface को भी अलग से distinguish कर पा रहे थे क्योंकि इनमें differences थे एक साइड में आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा था दूसरे साइड में स्पंजी पैरेन्काइमा था एक साइड में स्टोमेटा नहीं थे या बहुत कम थे दूसरे साइड में स्टोमेटा बहुत ज्यादा थे लेकिन यहां पर आपको सेम सेम सरफेसेस देखने को मिलेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बुलीफॉर्म सेल उनके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि 2018 में और 19 में क्वेश्चन उससे डायरेक्टली आया हुआ है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड You can also get connected to us via Unacademy's learning app. You just have to install this app from Google Play Store. You just need to go to the NEET UG section और उसके बाद आपको get subscription पर क्लिक करना है. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करोगे, आपको हमारे सारे subscription packages अपने स्क्रीन पर दिख जाएंगे. I'll recommend you guys कि आप लोग एक साल या दो साल का subscription pack यहाँ पर खरीदें, because ये आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं. समझ लो कि यार एक महीने का आप लोग पैक लेते हो विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो 10% आपको डिस्काउंट मिलता है तो भी आपको 5400 रुपए पर मंथ देने होंगे वहीं पर अगर आप इन कॉन्ट्रास्ट दो साल का एक पैक लेते हो विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो 10% आपको डिस्काउंट मिलता है तो सिर्फ 1350 रुपए आपको पर मंथ देने को मिलेंगे यानी इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डील फॉर यू क्योंकि आप अपने मंथली कॉस्ट को 5 गुना तक कम कर चुके हो सो अगर आप विपिन कोड अप्लाई करके एक या दो साल का पैक लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको मेरी सारी पीपीटीज मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट डीपीपी शीट्स मिल जाएंगी जो कि मैं आपके लेक्चर्स के लिए तैयार करता हूं एंड अदर देन दैट आपको मेरे बुक की हार्ड कॉपी मिल जाएगी एट योर हाउस एज अ गिफ्ट एंड आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप पैक भी मिल जाएगा सो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन कोड को यूज करके यू नो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा सो होने क्या वाला है इस लेक्चर में वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं देखो ये आपका एक सरफेस है एंड दिस वन इज योर सेकेंड सरफेस राइट एडेक्सियल और अबेक्सियल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ये वाला आपका एडेक्सियल सरफेस होता है जिसके एपिडर्मिस को एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलोगे ये अबेक्सियल सरफेस है जिसको अबेक्सियल एपिडर्मिस बोलोगे सो यहां पर क्या होता है दोनों में ही आपका स्टोमेटा देखने को मिलता है और लगभग इक्वल अमाउंट्स में आपका देखने को मिलता है तो दोनों सर्फेसेज आपके लगभग सेम हुए डायकॉट में ऐसा नहीं था डायकॉट में आपका जो ऊपर वाला एडेक्सियल सरफेस था इसके ऊपर या तो स्टोमेटा एब्सेंट थे या बहुत कम थे और अबेक्सियल पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा थे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ऊपर आपकी पैलिसेड पैरेन्काइमा थी डायकॉट के अंदर और नीचे आपकी स्पंजी पैरेन्काइमा थी लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है यहां पर दोनों सर्फेसेज अगर आप देखो तो आपको इक्विवेलेंट सेल्स जो है यहां पर आपको दिखाई देंगे सो यहां पर जो आपका बेसिकली सेल्स का अरेंजमेंट है वो कांस्टेंट सा है दोनों ही सर्फेसेज पे इसीलिए यहां पर इसे क्या बोला जाता है आइसोबाइलेट्रल आइसो मतलब सेम एंड बाइलेट्रल मतलब दोनों सर्फेसेज पे सो एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेट्रल लीफ जब आप देखोगे तो वो आपकी डॉर्सिवेंट्रल लीफ से मिलती जुलती है काफी सारे तरीकों से लेकिन कुछ डिफरेंस भी हैं जैसे कि इन एन आइसोबाइलेट्रल लीफ आपके स्टोमेटा जो है दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होंगे लगभग इक्वल अमाउंट में और आपकी मीजोफिल जो है वो भी आपकी पैलिसेड या स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी एक जैसे मीजोफिल सेल्स होंगे आपके ओवल या राउंड शेप के और यही आपके पूरे के पूरे लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपका तैयार करेंगे ग्रासेस में क्या होता है काफी बार एडेक्सियल एपिडर्मिस जो है बेसिकली यानी कि जो आपका ऊपर वाला सर्फेस है उसमें वेन्स के पास कुछ जो आपके सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं लार्ज सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि खाली रहते हैं और कलरलेस रहते हैं ओके इट मींस दैट जो आपका एडेक्सियल सरफेस है उस पर कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे टू बिकम लार्ज सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज बुलीफॉर्म सेल्स राइट और जब ये बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं जब आपकी लीव जो है बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब करेगी और ये बुलीफॉर्म सेल आपके टर्जिड हो जाएंगे टाइट हो जाएंगे फूल जाएंगे ओके यानी आपका इनमें वाटर आ जाएगा तो लीव सरफेस आपका एक्सपोज हो जाएगा कोई चीज अगर टर्जिड है तो वो चीजों को एक्सपेंड कर देगी और चीजें आपके खुल जाएंगी तो आपका लीव सरफेस एक्सपोज हो जाएगा लेकिन जब आपके बुलीफॉर्म सेल फ्लैसिड हैं वाटर स्ट्रेस के दौरान यानी जब वाटर आपका कम है तो उसमें क्या हो जाएगा लीफ आपकी कर्ल हो जाएगी
और लीफ अगर आपके कर्ल हो जाएगी बुलिफॉर्म सेल्स में वाटर की एब्सेंस की वजह से, तो कर्ल्ड लीफ का स्पेस जो है या फिर सरफेस एरिया आपका कम हो जाएगा, एंड सिंस द सरफेस एरिया इज लेस आपका वाटर लॉस जो है वहां पर नहीं होगा। ओके, मोनोकॉट में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है, यानी सारे के सारे वेन्स जो है एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं और ये एक दूसरे के साथ जो है कोइंसाइड नहीं करती, जबकि डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाया हुआ रहता है। ओके, सो नियर सिमिलर साइजेस ऑफ वास्कुलर बंडल यहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके सारे के सारे वेन्स आपके एक साइज के हैं, लेकिन जो आपका प्रोमिनेंट मिडरिब रहता है जो बीच वाला, वो थोड़ा बड़ा होगा, तो उन मेन वेन्स के अंदर आपका जो है बेसिकली थोड़े से ज्यादा बड़े वास्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। अदर देन दैट अगर आप सारे के सारे वेन्स की बात करोगे एक्सेप्ट मिडरिब, तो आपको लगभग सेम साइज के वास्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। डायकॉट में ऐसा नहीं था, डायकॉट में आपका जो मेन मिडरिब थी उसमें ज्यादा बड़े वास्कुलर बंडल्स थे, फिर जो वेन्स थी उनमें थोड़े कम, देन उसके बाद जो वेनलेट्स थी और पतली पतली उनमें और छोटे वास्कुलर बंडल थे, तो एक यू नो अरेंजमेंट जो है उसमें आपके वेरियस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। ऑलराइट, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आप दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, और आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं और आप लोगों को बचे हुए सारे पर्क्स भी आपके घर तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।